डॉक्टर बैंकिंग ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, 10 नवंबर के करंट अफेयर वीडियो में आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा, तो हाल ही में AAI का अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। हाल ही में AAI के अध्यक्ष के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाला है फ्रेंड। तो ऑप्शन है अरविंद सिंह, अरविंद सक्सेना, रजनीश कुमार और पंकज कुमार। फ्रेंड यहाँ जो राइट आंसर, अरविंद सिंह जी ने अपना कार्यभार संभाला है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये है ना, हमने पढ़ा था जब इनको नियुक्त किया गया था, इनके बारे में पढ़ा था फ्रेंड जब इनको नियुक्त किया गया था। तो फ्रेंड आप बता सकते हो AAI का यहाँ मतलब क्या है, फुल फॉर्म यहाँ इसकी क्या रहेगी। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म रहेगी फ्रेंड। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी क्या है, फुल फॉर्म रहेगी फ्रेंड। ओके, तो फ्रेंड जान लेते हैं हमारे ऑप्शंस के बारे में। अरविंद सक्सेना, तो ये क्या बने थे, अरविंद सक्सेना जी यूपीएससी के चेयरमैन बने थे फ्रेंड, यूपीएससी के चेयरमैन बने थे फ्रेंड। रजनीश कुमार आईबीए के चेयरमैन है फ्रेंड, आईबीए के। तो आईबीए के मतलब क्या है यहाँ, इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो पंकज कुमार कौन है बताओ फ्रेंड, तो पंकज कुमार है ना फ्रेंड, वो हमारे UIDAI के CEO बने थे फ्रेंड। तो फ्रेंड आप है ना ऐसे ही लिंक करके क्वेश्चनों को पढ़ा करो, जिससे क्या है कि आपको चीज़ें याद होने लग जाएगी फ्रेंड। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। अब हमने क्या है कि आपके रिवीजन और आपके टेस्ट के लिए एक क्विज शुरू किया है फ्रेंड, रिवीजन और उसके लिए एक क्विज शुरू किया है फ्रेंड। तो वो ना आपको बस उसमें 2 मिनट लगेंगे क्विज में, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसमें जाएं और क्विज लगाकर अपनी नॉलेज का टेस्ट करें फ्रेंड। तो फ्रेंड उसमें क्या है कि आपको ना डेली बेसिस का क्विज मिलेगा एक, और जब आपका एक वीक कंप्लीट होगा ना तो उस वीकली भी आपको एक क्विज दिया जाएगा फ्रेंड, जो आपने एक वीक में जो पढ़ा है ना उसका एक बार भी आप क्विज लगा सकते हो। और इसमें क्या है कि आपको ना अभी डेली क्विज मिलेगा, तो उससे क्या होगा कि आपने जो कल पढ़ा है आपको पता चलेगा उसमें से कितनी चीज़ें आपको याद है। तो फ्रेंड आप है ना क्विज जरूर लगाएं, जो फ्रेंड आप है ना क्विज जरूर लगाएं फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा देश 2003 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुष हॉकी विश्व की यह मेजबानी करेगा फ्रेंड। तो ऑप्शन है भारत, फ्रांस, जर्मनी, अर्जेंटीना। तो फ्रेंड राइट आंसर यहाँ भारत रहेगा, क्या रहेगा फ्रेंड, भारत मेजबानी करेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड ये जो 2023 में होंगे तो होंगे कब, तो ये होंगे 13 से 19 जनवरी को ये वर्ल्ड कप होगा फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में मुंबई में 25वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 का उद्घाटन किसने किया है। हाल ही में मुंबई में 25वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है। ऑप्शन है आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन। तो फ्रेंड जो राइट आंसर यहाँ भी रहेगा, शाहरुख खान जी ने उद्घाटन किया है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये जो है ना 8 दिवसीय चलेगा, मतलब 8 दिन चलेगा, और ये शुरू भी 8 नवंबर को होगा, शुरू हो गया यानी फ्रेंड 8 नवंबर को शुरू हुआ है। और फ्रेंड हो कहाँ रहा है, तो नेताजी फ्रेंड ये हो रहा है नेताजी इंडोर स्टेडियम के अंदर ये शुरू हो चुका है फ्रेंड, और 8 दिवसीय है फ्रेंड, 8 से 15 नवंबर तक चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में RBI ने प्रीपेड भुगतान यंत्र ऑक्सीजन पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हाल ही में RBI ने प्रीपेड भुगतान यंत्र ऑक्सीजन सर्विसेज पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो आपको ये बताना है 3, 4, 5 लाख, 6 लाख। तो फ्रेंड जो राइट आंसर यहाँ रहेगा 5 लाख रुपए का क्या है जुर्माना लगाया है फ्रेंड, 5 लाख रुपए का क्या है जुर्माना लगाया है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये ऑक्सीजन सर्विसेज है ना, ये करता क्या है, ये जो है ना एक तो करता है अभी भुगतान या मनी ट्रांसफर के संबंधित कार्य करता है, भुगतान और मनी ट्रांसफर के संबंधित सेवाएं प्रदान करता है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसमें बता सकते हो RBI ने लगाया क्यों है, तो ये जो है ना इसने RBI के नियामक जो दिशा निर्देश थे ना, जो दिशा निर्देश थे उनको ना पालन नहीं किया इसने, तब RBI ने इस पर क्या है ये जुर्माना लगाया फ्रेंड। तो बात आई है फ्रेंड RBI की, तो ये रहा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना है फ्रेंड 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना हुई थी। गवर्नर इसके शक्तिकांत दास जी हैं, कौन है, शक्तिकांत दास। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसको ABLF
ग्लोबल एशियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसको ABLF ग्लोबल एशियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है फ्रेंड? ऑप्शन है कुमार मंगल बिड़ला, सुनील मित्तल, गौतम अदानी, मिथुन मूवी। तो फ्रेंड ये राइट आंसर यहाँ ए रहेगा, ये यहाँ राइट आंसर कुमार मंगल बिड़ला जी को ABLF ग्लोबल एशियन अवार्ड दिया गया है फ्रेंड। तो ये इनको किस लिए दिया गया बता सकते हो? तो शक्तिशाली व्यक्ति जिनके व्यवसाय के पद चिन्ह और उत्कृष्टता के ना उनको बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार उनको दिया गया है फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस बैंक ने सूक्ष्म MSME की सेवाओं के लिए मुथूट माइक्रो फाइनेंस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? निम्न में से किस बैंक ने सूक्ष्म MSME की सेवाओं के लिए मुथूट माइक्रो फाइनेंस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक। तो फ्रेंड जो राइट आंसर यहाँ इंडियन बैंक रहेगा, क्या रहेगा फ्रेंड? राइट आंसर IDBI बैंक रहेगा। तो फ्रेंड इसमें होगा क्या, ये दोनों मिलकर करेंगे क्या? तो जो बैंकिंग सर्विसेज है ना, जो बैंकिंग है या नॉन बैंकिंग सर्विसेज जो भी है, तो उनमें वित्त कंपनियों को क्या है, MSME ऋणकर्ताओं को क्या, जो छोटे स्तर के जो ऋणकर्ता है ना उनको क्या ये मिलकर ऋण प्रदान करेंगे फ्रेंड। और इसमें जो इंडियन बैंक के महाप्रबंधक हैं सुधारक राव, इंडियन बैंक के महाप्रबंधक है सुधारक राव, कौन है? सुधारक राव जी इसके हैं फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में मूडीज ने मार्च 2020 तक भारत के GDP में कितने प्रतिशत के घाटे की भविष्यवाणी की है? हाल ही में मूडीज ने मार्च 2020 तक भारत के GDP में कितने प्रतिशत के घाटे की भविष्यवाणी की है फ्रेंड? तो 2.8%, 3.3%, 3.7% और 4.2%। तो फ्रेंड जो राइट आंसर यहाँ रहेगा सी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। सी ऑप्शन क्या है यहाँ राइट रहेगा, 3.7% घाटे की घोषणा की है फ्रेंड। तो बात सर ये मूडीज आया, तो मूडीज है क्या, ये मूडीज है क्या बताओगे फ्रेंड आप मुझे? तो फ्रेंड ये मूडीज क्या है, अमेरिका की क्या है, अमेरिका की वित्तीय कंपनी है, अमेरिका की वित्तीय सेवा कंपनी है फ्रेंड, ये अमेरिका की वित्तीय सेवा कंपनी है फ्रेंड ये। और ये इसने बताया है कि ये मंदी अर्थव्यवस्था में धीमी वृद्धि के कारण है, ये जो घाटा जो आएगा ना 3.7% का क्यों आएगा, कि जो मंदी अर्थव्यवस्था में है ना धीमी जो वृद्धि हो रही है वो धीमी गति से हो रही है, उस कारण ये होगा फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार कौन सा राज्य अपने नागरिकों को न्याय देने में शीर्ष पर रहा है? इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार कौन सा राज्य अपने नागरिकों को न्याय देने में शीर्ष पर रहा है फ्रेंड? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो फ्रेंड राइट आंसर डी रहेगा, महाराष्ट्र इसमें शीर्ष पर रहा है फ्रेंड। तो महाराष्ट्र क्या शीर्ष पर रहा है, तो इसके बाद की मैं आपको बता देता हूँ, इसके जो बाद में सेकेंड नंबर पर आता है जैसे केरल है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु है, पंजाब है, हरियाणा है, तो इनके बाद का नंबर आता है। जैसे फ्रेंड इसमें एक चीज़ और की गई थी, सात छोटे राज्यों में शीर्ष पर बता सकते हो आप कौन है, सात छोटे राज्यों के अंदर शीर्ष में कौन है? तो अगर छोटे राज्यों में बात की जाए ना फ्रेंड, तो उसके अंदर शीर्ष पर गोवा है फ्रेंड, सात छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष पर है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये तो आ गया महाराष्ट्र, तो इस जो जस्टिस रिपोर्ट में शीर्ष पर था, तो इसमें निम्न पर कौन है, नीचे ही नीचे कौन है फ्रेंड? तो नीचे नीचे इसमें तीन जिले शामिल किए गए हैं फ्रेंड, जो नीचे ही नीचे हैं, तो वो बताओ आप मुझे कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड एक झारखंड है, दूसरा बिहार है, तीसरा कौन सा है, उत्तर प्रदेश, यूपी कह सकते हैं उसको। तो झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश क्या है इसमें, निम्न श्रेणी में शामिल है फ्रेंड, जो कि नीचे ही नीचे है। ओके फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में ICG ने किस तट पर अभ्यास रीसार्क 2019 का आयोजन किया है? हाल ही में ICG ने किस तट पर अभ्यास रीसार्क 2019 का आयोजन किया है फ्रेंड? ऑप्शन है गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा और केरल। तो फ्रेंड राइट आंसर यहाँ गोवा रहेगा, राइट आंसर क्या रहेगा, गोवा रहेगा फ्रेंड। तो ICG ये हम इसका मतलब क्या, इंडियन कोस्ट गार्ड, ICG का मतलब क्या, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो फ्रेंड ये जो इसने किया है रिसार्क अभ्यास, तो इसमें होगा क्या कि जो क्षेत्रीय स्तर पर समुद्र में खोज होगी और बचाव के क्या कार्य किए जाएंगे समुद्र के अंदर फ्रेंड। तो बात आई ICG की, तो ये रहा ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड इसका फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी 18 अगस्त 1978 को हुई थी, कब हुई थी इसकी स्थापना, 18 अगस्त 1978 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंदर है फ्रेंड। इसका एक मोटो है वयम रक्षा या वी प्रोटेक्ट, क्या है, हम आपकी रक्षा करेंगे, ऐसा है कम मोटो है फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट।
हाल ही में किसको गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसको गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है? परंतु विकास अग्निहोत्री, विजय गुप्ता, गोरख देशमुख और राजन आनंद। तो फ्रेंड जो राइट आंसर यहाँ बी रहेगा, इसको किया गया है संजय गुप्ता जी को किया गया है। फ्रेंड तो फ्रेंड इसको ये जो है ना डिज्नी प्रमुख थे पहले, क्या थे ये? डिज्नी प्रमुख थे संजय गुप्ता जी। ओके फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर के निगरानी के लिए 3 महीने के भीतर केंद्र द्वारा गठित एक ट्रस्ट के साथ कितनी विवादित जमीन हिंदू पक्षकारों को दे दी है? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर के निगरानी के लिए 3 महीने के भीतर केंद्र द्वारा गठित एक ट्रस्ट के साथ कितनी विवादित जमीन हिंदू पक्षकारों को दे दी है? तो कितनी एकड़ जमीन का इसने पूछा है फ्रेंड, दे दी है। तो 1.77 एकड़, 2.38 एकड़, 2.77 एकड़, 3.12 एकड़। तो फ्रेंड जो राइट आंसर यहाँ रहेगा सी रहेगा, 2.77 एकड़ जमीन हिंदू पक्षकारों को दे दी गई है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसमें क्या है कि दूसरा जो पक्ष है ना सुन्नी वफ, सुन्नी वफ बोर्ड जो है, सुन्नी वफ बोर्ड जो है उसको क्या किया गया है कि 5 एकड़ जमीन दी गई है, 5 एकड़ जमीन उसको दी गई है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसमें एक चीज़ हो रहा है कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था ना, इसमें 5 जजों की क्या थी, एक कमेटी थी फ्रेंड, 5 जजों की कमेटी थी फ्रेंड। ये इंपॉर्टेंट रह जाता है फ्रेंड, आप इसको देखना क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और आपके पेपर में पक्का पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लें। तो फ्रेंड इसमें और क्या है, ये अयोध्या पर आया फैसला, आपको पता ही है ये, तो अयोध्या में आया है। तो अयोध्या कहाँ है? हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर है फ्रेंड। ओके फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में डिजिटल गांव स्थापित करने की घोषणा किसने की है? हाल ही में डिजिटल गांव स्थापित करने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रविशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो किसने की है? रविशंकर प्रसाद जी ने डिजिटल गांव स्थापित करने की फ्रेंड घोषणा की है। तो बता सकते हो रविशंकर प्रसाद कौन है हमारे? तो ये हमारे क्या है, केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिक मंत्री है, सूचना प्रौद्योगिक मंत्री है। तो केंद्रीय संचार सूचना प्रौद्योगिक मंत्री हमारे रविशंकर प्रसाद जी हैं। तो इन्होंने बताया कि जो 800 गांव है ना, इस पे पहले ही पायलट प्रोजेक्ट पर चल रहे हैं, 800 गांव डिजिटल गांव के लिए पायलट प्रोजेक्ट पर चल रहे हैं फ्रेंड। पायलट प्रोजेक्ट पर क्या है, 800 गांव चल रहे हैं पहले ही, ठीक है फ्रेंड। तो इस जो डिजिटल गांव है ना, इसमें होगा क्या कि जो है ना स्वास्थ्य देखभाल, क्या होगा, एक तो स्वास्थ्य देखभाल पे ध्यान दिया जाएगा, कौशल विकास है, और जो भी डिजिटल शिक्षाएं प्रदान की जानी है ना, तो वो उसके अंदर इन गाँव में प्रोवाइड किया जाएगा। तो फ्रेंड बता सकते हो पायलट प्रोजेक्ट क्या है? इसको हम फ्रेंड ऐसे कह सकते हैं, जैसे हम कोई चीज़ बनाने से पहले उसका एक ट्रायल लेते हैं ना, तो यह है एक वो ट्रायल है। तो यह 800 गांव पर ट्रायल चल रहा है, ये देख सरकार देखती है पहले, जैसे कोई बड़ी लॉन्च करनी होती है स्कीम, तो उसमें देखती है कि यह चीज़ कितनी की कामयाब है। तो इससे पहले ये ट्रायल में पता चल जाएगा, पायलट प्रोजेक्ट एक टाइप का ट्रायल लिया जाता है फ्रेंड। ओके तो फ्रेंड बताइए, ये ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। नरेंद्र मोदी ये कौन है हमारे, हमको सभी को पता है, हमारे पीएम प्रधानमंत्री हैं। और अमित शाह जी कौन है बता सकते हो? तो ये हमारे गृह मंत्री हैं। कौन है फ्रेंड? हमारे गृह मंत्री हैं। तो फ्रेंड आप अपना वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें, और फ्रेंड आप साथ में कमेंट कर भी जरूर बताया करें। तो फ्रेंड आप भूल जाते हो, लाइक एंड शेयर जरूर किया करो। ये रहा आपकी यस्टरडे क्लास का क्वेश्चन। हाल ही में किसको लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन थे ओम प्रकाश रावत, सुनील कुमार, आदित्य पुरी, आदित्य मिश्रा। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर था आदित्य मिश्रा। जिन भी फ्रेंड्स ने आंसर दिया ये सही था उनका। तो फ्रेंड मैं इनके साथ आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, आप है ना जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में भी कमेंट किया करो, जो ऑप्शंस आ रहे हैं उनके बारे में भी कमेंट किया करो। इससे होगा क्या कि आपके एक क्वेश्चन के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो ये रहा फ्रेंड आपका आज का क्वेश्चन, इसका जवाब आप हमें कमेंट कर जरूर दें फ्रेंड। साथ में ही आप हमें कमेंट करके बताओगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, या आप ये वीडियो में कुछ चेंजेस चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट कर बता सकते हो, या आपको कोई एक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हो फ्रेंड। और फ्रेंड इसमें ना आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।